हाय गाइस, आज मैं अपने क्लाइंट के यहाँ जा रही हूँ उसका रिव्यू लेने। और उन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया है अपने घर पर लंच पर। काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, मैं कुछ काम कर रही थी घर में, पूजा कर रही थी। तो अभी मैं वहाँ जाके आपको सब कुछ अपडेट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से उन्होंने अपना वेट मेंटेन करके रखा हुआ है। वो मेरी पुरानी क्लाइंट हैं, वो आज से 12 साल पहले मुझसे मिली थी और उन्होंने मुझसे काफ़ी वेट लॉस किया था। अब काफ़ी उन्होंने अपना वेट मेंटेन करके रखा हुआ है, तो अभी आपको जाके सारा देख दूँ। मैं उनके घर पहुंच चुकी हूं और उनका ये गोट मैं पहुंच चुकी हूं अब उनके घर। देखते हैं वो कहाँ हैं। ये देखो मेरी बब्बू आंटी यहाँ पर हैं। ये बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी है। इनको मैं आंटी बोलती हूँ। देखो आपके लिए, सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। ये मेरे लिए लंच प्रिपेयर कर रही हैं। इन्होंने मुझे आज लंच पे बुलाया और नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बनाया। देखिए मेरे को लिए उन्होंने स्पेशल शाही पनीर विदाउट आनियन एंड विदाउट लहसुन एंड लच्छा परांठा बनाया है। अब हम इसे इंजॉय करते हैं और फिर आगे अपडेट करती हूँ मैं आपको। ओके अब हमारा लंच खत्म हो चुका है, अब डाइट की बातें शुरू हो जाएंगी। मैं इनको डाइट का ज्ञान दूंगी, ये मुझे भगवान का ज्ञान देंगी। ये बहुत ही अच्छी हैं, ये मेडिटेशन करती हैं, तो मैं शायद इनसे ये भी सीख कर जाऊंगी आज यहाँ पर। तो आप सबको भी ये सब सिखाएंगे हम। तो पहले तो हम इनके वेट अपडेट करते हैं। इन्होंने मुझे आज से 12 साल पहले इन्होंने मुझसे डाइट ली थी और आज भी इनका वेट मेंटेन है। यह हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। देखिए आप कहते हैं ना कि डाइट करना बड़ा मुश्किल है, डाइट नहीं की जा सकती, ये आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। देखो इन्होंने आज तक अपना वेट नहीं बढ़ाया, अब इनको थोड़ी टाइम पहले कुछ स्टेरॉइड्स लेने पड़े जिनकी वजह से इनका थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, जो कि अपने डाइट से कम करना चाहते हैं। तो मैं इनको अभी यहाँ पर इनको बहुत ही अच्छा डाइट बताऊंगी, एक डाइट चार्ट, और ये मुझे ज्ञान की बातें बताएंगी। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। देखिए बगीचे में देखो कड़ी पत्ता है, तुलसी है और तुलसी है। आजकल कार्तिक का महीना भी चल रहा है तो तुलसी की पूजा करती हैं और ये देखो इन तुलसी की भी पूजा करती हैं वो। आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगी, इसके अंदर अजवाइन के भी पत्ते हैं इनके पास। अजवाइन इसको तुम ला, ये देखो ये क्या है, अजवाइन, अजवाइन के पत्ते। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, इसको आप डंडी लगाओगे अच्छा इसी में आ जाएंगे आपको। ये देखो अजवाइन के पत्ते दिए हैं इन्होंने मुझे भी, और एक ये आप भी अपने घर पे लगाओ। तो ये देखो ऐसे उग जाएंगे तरीके, ये देखो अजवाइन के पत्ते मिल रहे हैं मुझे। ये देखो कितने सारे देती जा रही हैं आंटी। ये देखो कितना अच्छा पौधा मिला अजवाइन का मुझे, इसको एक बार चलो मजा आ गया मुझे तो। और ये क्या है, ये अजवाइन का दो पेड़ लगाए मैंने। अच्छा ये भी अजवाइन का ही है, ये तो वैसे ही सोई है। अच्छा ओके ओके। और ये किस चीज का पत्ता, ये मोतिया, मोतिया अच्छा लगाने के लिए भगवान जी को। और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कड़ी पत्ता है ये। हाँ कड़ी पत्ता तो आई नो, ठीक है ये गेंदे का, ये हाँ क्या बोलते हैं इसको जो शुगर के लिए पत्ता लेते हैं। अच्छा हार श्रृंगार का पत्ता, हार श्रृंगार नहीं, हार श्रृंगार का पेड़ खत्म हो गया। अच्छा कुछ और कहते हैं, भूल गया नाम, ये शुगर के लिए लेते हैं। ये शुगर के पत्ते हैं भाई, हम इनका नाम भूल गए हैं। जब नाम ध्यान आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगी अपने वीडियो में इसको भी, मैं बता दूंगी जब मेरे को नाम। डाइट पूरी अच्छे से बना दी है, जो आंटी की डाइट में गलतियां थी वो सारी ठीक कर दी हैं, अपडेट कर दी है। मैं आपको इनकी दो तीन मिस्टेक्स आपको बताती हूँ। एक तो ये डेयरी प्रोडक्ट ले रही थी जिनकी वजह से इनका वेट स्टक हो गया था, जो मैंने अभी इनको करेक्ट कर दिया है। और ये अपनी डाइट में खूब रस और बिस्किट्स खा रहे थे जिनको हटा कर मैंने मखाने कर दिए, तो ये डाइट में इनको थोड़ा ठीक करा। अब मैं इनसे अपना एक रिव्यू लूंगी। अब आप बताना मेरे बारे में कुछ क्या बोलना चाहेंगे आप मेरे बारे में। आपके बारे में ये बोलूंगी, आप बहुत अच्छी बच्ची हो, आप सबकी सेवा भी करते हो। कोई आपके पास ऐसा आ जाता है जो अफोर्डेबल नहीं होता, आप उनकी भी फ्री सेवा करती है। और इससे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई क्या हो सकता है, जो दूसरों की सेवा करता है वो इंसान दुनिया में सबसे अच्छा होता है। उनमें से हमारे रितिका जी एक स्पेशल हैं जो कि सबको प्यार करते हैं। और ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर और इनकी डाइट बनाई। आप इन्होंने मुझे बहुत अच्छी ज्ञान की बातें सिखाई हैं।
अगर हो सकेगा तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगी सारे ज्ञान की बातें। थैंक यू सो मच। मैं आंटी के घर से बाहर आ चुकी हूँ, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपको पूरी स्टोरी अपडेट करूँगी, और बहुत इंजॉय किया मैंने आज। थैंक यू।